कौन क्या है मेरा स्वरूप, क्या है मेरा लक्ष्य, मैं इस दुनिया में क्यों आया, कैसे मैं अपना जीवन जीऊं। शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में कैसे मैं अपना जीवन जीऊं, जिससे मैं स्वस्थ, शक्ति, आनंद, ज्ञान एवं प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकूं। आत्म ध्यान आपको बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बना सकता है। आंखें बंद, शरीर को एक सुखद आसन दे दें। मन, वचन, काया तीनों ही मौन, मन से मौन, वाणी से मौन, काया से मौन। काया से मौन का अर्थ है काया को एक स्थान पर स्थिर कर लें, मन से कोई विचार को महत्व ना दें, मन वचन काया से मौन। बाहर से भीतर आएंगे हमने बहुत यात्रा की है बाहर की, अब भीतर की यात्रा करेंगे। शरीर की यात्रा बाहर की है, इंद्रियों की यात्रा बाहर की है, मन की यात्रा बाहर की है, संबंधों की यात्रा बाहर की है, देश विदेश में घूमने की यात्रा बाहर की है। शांत होकर के अपने भीतर भीतर सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने को जाने और देखें, जागरूकता बने रहे। धर्म जागरूकता में है, पाप बेहोशी में है। ध्यान करेंगे, परमात्मा का ध्यान नहीं करना है। महावीर की वाणी कहती है ध्यान ही परमात्मा है, तुम डूबोगे भीतर, कैवल्य भीतर है, परमात्मा भीतर है, सुख भीतर है, शांति भीतर है, प्रेम भीतर है, करुणा भीतर है। जाग जाओ, भीतर से जाग जाओ। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने होने का एहसास कीजिए। जो चल रहा है वो मैं नहीं हूं, जो भोजन कर रहा है वो मैं नहीं हूं, जो संबंध बना रहा है वो मैं नहीं हूं, जो व्यापार कर रहा है वो मैं नहीं हूं, जो बोल रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं इसका मात्र दृष्टा हूं। दृष्टा भाव में आ जाओ। उदेशो पास का सुनत थी
दृष्टा को पाप नहीं लगता। मात्र दृष्टा जानो और देखो, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर के होने का अनुभव कीजिए। विचार आ रहे हैं तो आने दें, जा रहे हैं तो जाने दें, श्वास आ रही है तो आने दें, श्वास जा रही है तो जाने दें। जो भी हो रहा है इस संसार में आप देखिए, शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंडी लगती है, सर्दी लगती है, जो जो शरीर मांगता है आप देते चले जाते हैं। शरीर के भीतर जो बैठा परमात्मा है, आत्मा है, जीवात्मा है, उसको क्या चाहिए? पूछो अपने आप से, जो भीतर आत्मा है, कभी उसने भोजन किया? कभी उसने पानी पिया? कभी उसने वस्त्र ओढ़े? कभी संबंध बनाए? क्या चाहिए उसको? पूरा जीवन जो तुमने लगा दिया इस शरीर के लिए, शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तुम्हारा होना है, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा जागरूकता, उठने बैठने चलने खाने पीने में जो विवेक है वो तुम हो। एक शब्द महावीर का, उस यतना को साध लो, सब सब जाएगा। यदि विवेक नहीं सदा तो कुछ नहीं सदा। समझो मैं हूं कौन, पूछो अपने आप से, शोध करो अपने आप से, क्या मैं पुरुष हूं, क्या मैं स्त्री हूं, क्या मैं घर का मालिक हूं, घर की मालकिन हूं, बेटा मेरा है, संबंध मेरे हैं, संपत्ति मेरी है, पूछो। वो धन, वो संपत्ति, वो संबंध, जो कोठी, वो बंगला, मकान, वो किसके हैं? आत्मा को इससे कोई संबंध नहीं। आत्मा अकेली सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण है आत्मा, वो तुम हो। इस जीवात्मा को कुछ नहीं चाहिए, वो स्वयं में संपन्न है, परिपूर्ण है, शुद्ध है, सत्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, सत्य चित्त आनंद परिपूर्ण है आत्मा। मेरी आवाज को सुनते चले जाना और अपने भीतर की गहराइयों में प्रवेश करना। कोई विचार, कोई संस्कार, कोई धारणा, कोई इंद्रिय तो महत्व ना दें। आप ज्ञान के बंद हैं, आप शांत हैं, मौन में हैं, समाधि में हैं, भीतर शोध करो मैं कौन हूँ। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक क्या हैं आप? क्या नाम आपका है? क्या आपका है? जो प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है वो तुम नहीं हो। जीव और अजीव दो तत्व हैं। अजीव यानी पुद्गल प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है, जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो। श्वास आ रही है जा रही है वो तुम नहीं हो। विचार आ रहे हैं जा रहे हैं तुम नहीं हो। बुद्धि का निर्णय बदल रहा है वो तुम नहीं हो। देह परिवर्तनशील है वो तुम नहीं हो। फिर तुम कौन हो?
पूछो अपने आप से, ये कोई शास्त्र का वाक्य नहीं है, ये सत्य है जो तुम्हारे सामने घटित होता है, परंतु हम गौण कर देते हैं। हम जो सत्य है उसको ओझल कर देते हैं, जो असत्य है उसको अपना बनाना चाहते हैं, वो कभी हो नहीं सकता। इसलिए महावीर की वाणी, ऋषियों मुनियों की वाणी सत्य है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर अनुभव करो, एक ज्योति जल रही है, एक प्रवाह बह रहा है, एक सत्य की किरण उठ रही है, एक सुख का प्रवाह बह रहा है, उसको महसूस कीजिए। छोड़ दीजिए शरीर को, विचारों को, मन को, बुद्धि को, धारणाओं को, सब छोड़ दीजिए। अपने भीतर 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 गहरे चले जाइए, गहरे चले जाइए। ख्याल रखना निद्रा ना आए, पूर्ण होश जागरूकता, मूर्छा ना आए, बेहोशी ना आए, निद्रा ना आए, तुम पूर्ण जागरूक रहें और जो भीतर हो रहा है उसको होने दीजिए, जो उठ रहा है उठने दीजिए, तुम मात्र दृष्टा हो। दृष्टा में बीती हर्षवांश धर्म की है, कर्म नजरा की है, वो तुम्हारी अपनी श्वांस है, उसमें बहो, उसमें बैठो, उसको जानो, उसका अनुभव करो। हमारे आत्मा सच्चिदानंद जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, जिसे गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, आंखें बंद रखते हुए भीतर शोध करें। मैं आत्मा जिसका कोई आकार नहीं, रंग नहीं,
रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, निराकार है रूप मेरा, उसका जन्म नहीं, उसका बुढ़ापा नहीं, वो अमर शाश्वत शुद्ध वो तुम हो, बस उसको जान लो, उस पर विश्वास कर लो, उस पर श्रद्धा कर लो, तो तुम जन्म मरण के चक्कर से मिट जाओगे। यदि उसको नहीं जाना, उसको नहीं समझा, तो धर्म की शुरुआत ही नहीं होगी। इसलिए अपने भीतर अपने आत्म तत्व को पहचानो। कभी एकांत में बैठ करके, मौन हो करके, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का फैलाव देखो और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करो। आंगे आंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार, आंग आंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार, मैत्री सुख शांति का मो पुरी द्वार, मैत्री सुख शांति का ब्रह्म लोक का द्वार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियाणंग, नमो वज्जायाणंग, नमलोय सब सावनंग, दमो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावितंग, नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चाने शरणं